अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमलगम किचन्स। आज हम बना रहे हैं गाजर वाली खीर। उसके लिए हमने गाजर ली है 1 किलो, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। चावल है हमारे पास 1 पाव, इनको हमने 4 से 5 घंटे वाटर में सोक किया है। चीनी हमने ली है 1 किलो, और कुछ लिए हैं हमने बादाम, जो हम एंड पे यूज़ करेंगे। 8 किलो हमारे पास दूध है, फुली थिक, जिसकी क्रीम भी हमने रिमूव नहीं की। अब हम स्टार्ट करते हैं खीर बनाना। ऑलरेडी हमारे पास मिल्क जो है वो बॉइल्ड है। अब मैंने इसमें डालनी है गाजर। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है। गाजर को दूध में इस तरह हम 10 मिनट पकाएंगे। अब हम चावल डालते हैं, और चावल जो है मैंने अच्छी तरह हाथ से मसल के उनको बारीक कर लिया है। व्यूअर्स, अब हम 2 से 2.5 घंटे इसको पकाएंगे लो फ्लेम पे। दरमियान में से हम इसको चेक करेंगे। व्यूअर्स, आधा घंटा हो चुका है लो फ्लेम पे खीर को पकते हुए। अब गाजर और राइस जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी ऐड करने के बाद थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको स्टर करते रहेंगे, क्योंकि चीनी डालने के बाद लगने का बहुत ख़तरा होता है। व्यूअर्स, खीर हमारी ज़बरदस्त तरीके से पक रही है। तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं हम इसको पका रहे हैं। आधा घंटा पकाने के बाद हमने इसमें शुगर ऐड की थी। शुगर ऐड करने के बाद भी इसको 1.5 घंटा हो चुका है। अब मज़ीद हम इसको 1.25 घंटा और पकाएंगे, और फिर हमारी खीर रेडी होगी। व्यूअर्स, खीर को पकते हुए तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 से 2.5 घंटे में खीर पक जाएगी, मगर आधा घंटा मज़ीद हमने लगाया है, और फिर जाके हमारी खीर जो है वो रेडी हुई है। ये देखें, अब हमने जो हमारे पास आमंड रखे थे वो डालते हैं। फ्लेम मैं ऑफ कर देती हूँ। व्यूअर्स, खीर हमारी बिल्कुल रेडी है। इसकी गार्निशिंग जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन भी ज़रूर हिट करें।